आज तारीख हो चुकी है 8 जुलाई। आज एक बार फिर से आईपीएल को लेकर, सभी आईपीएल टीमों को लेकर, क्रिकेटिंग जगत को लेकर कुल 8 बड़ी खबरें और 8 बड़े अपडेट्स निकल कर आए। मैं इस वीडियो आपके साथ डिस्कस करूंगा, आपको सभी 8 बड़ी खबरों के बारे में बताऊंगा, तो काफी इंटरेस्टिंग काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होगी, तो आप इस वीडियो को अंत जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी ये क्रिकेट के बड़े फैन तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको क्रिकेट से जुड़ी जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। अब हम बात करते हैं सभी 8 बड़ी खबरों की, तो जो सबसे पहली बड़ी खबर निकल कर आती है एमएस धोनी की तरफ से। दरअसल एमएस धोनी ने कल अपना यहाँ पर 41वां जन्मदिन लंदन में यहाँ पर अपना जन्मदिन सेलिब्रेट किया था और ऋषभ पंत भी वहां पर एमएस धोनी की बर्थडे पार्टी में थे। इसके साथ ही एमएस धोनी ने अब अपने 41वें बर्थडे के बाद आईपीएल 2023 के एडिशन को लेकर चेन्नई की तैयारियों को लेकर एक बड़ा स्टेटमेंट दिया, जहां पर एमएस धोनी ने बताया कि अब जल्दी भारत आकर ये चेन्नई के ओनर्स के साथ मीटिंग करके डिस्कस करेंगे किस प्रकार से आखिर इस टीम की यहाँ पर रिलीज और रिटेन प्लेयर्स को लेकर क्या पॉलिसी रहेगी, कौन से प्लेयर को ये टीम रिटेन करेगी, कौन से प्लेयर्स को आखिर ये टीम रिलीज करने का विचार कर रही है। इसके साथ ही एमएस धोनी ने तो एक बड़ी अनाउंसमेंट भी कर दी। एमएस धोनी ने बता दिया कि आईपीएल 2023 के एडिशन में वो 6-pack abs के साथ यहाँ पर दिखेंगे। कुल मिलाकर एमएस धोनी यहाँ पर abs के साथ आईपीएल 2023 के एडिशन में दिखेंगे, तो जिस प्रकार से विराट कोहली केएल राहुल यहाँ पर abs के साथ आईपीएल में खेलते हुए दिखते हैं, उस प्रकार से अब एमएस धोनी भी आईपीएल 2023 के एडिशन में 6-pack abs के साथ अब कमबैक करेंगे यहां पर खेलते हुए दिखेंगे। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग कि एमएस धोनी अपने अंतिम के 1-2 सालों में यहां पर चेन्नई को आईपीएल लगातार जिता पाएंगे या फिर नहीं। अब हम बात कर लेते हैं दूसरी बड़ी खबर की, तो ये दूसरी बड़ी खबर निकल कर आती है भारतीय खिलाड़ियों के विदेशी लीग में खेलने को लेकर। दरअसल श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर डी सिल्वा ने यह बताया कि यहां पर टीम इंडिया के प्लेयर्स को अब विदेशी लीगों में खेलना बीसीसीआई को अलाउ देना चाहिए। इससे बीसीसीआई को और प्लेयर्स को काफी अधिक फायदा होगा। हालांकि बीसीसीआई को ऑलरेडी काफी अधिक फायदा हो रहा है। हाल फिलहाल में यहां पर आईपीएल के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स 50,000 करोड़ के बिके, तो बीसीसीआई ऑलरेडी काफी अधिक अर्निंग कर रहा है। इसके साथ ही अगर यहां पर इंडियन प्लेयर विदेशी लीगों में चले जाएंगे तो बीसीसीआई और आईपीएल को व्यूअरशिप के मामले में यहां पर नुकसान होगा। इसी वजह से अब तक बीसीसीआई ने अपने खिलाड़ियों को यहां पर विदेशी लीगों में जाने से रोका है। लेकिन यहां पर डी सिल्वा ने तो यह बताया कि अब बीसीसीआई को विदेशी लीगों में जाना, यहां पर इंडियन प्लेयर्स को अलाउ कर देना चाहिए। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग क्या सचमुच इंडियन खिलाड़ियों को विदेशी लीग में जाना आखिर अलाउ करना चाहिए या फिर नहीं। आप कौन कौन सी लीगों में आखिर विदेशी खिलाड़ियों को देखना, आप आखिर भारतीय खिलाड़ियों को देखना चाहते हो, अधिक से अधिक कमेंट जरूर करें। अब हम बात कर लेते हैं तीसरी बड़ी खबर की, तो तीसरी बड़ी खबर निकल कर आती होती है सुनील गावस्कर की तरफ से। दरअसल सुनील गावस्कर ने ऋषभ पंत को लेकर एक बड़ा स्टेटमेंट दिया, जहां पर गावस्कर ने यह बताया कि ऋषभ पंत का टेस्ट क्रिकेट में तो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा है, लेकिन वनडे टी20 में ये थोड़ा स्ट्रगल करते हुए दिखे। तो गावस्कर ने बताया कि ऋषभ पंत को रोहित शर्मा के साथ वनडे और टी20 फॉर्मेट में यहाँ पर ओपन करना चाहिए, तभी ऋषभ पंत काफी अधिक यहाँ पर खतरनाक और काफी सक्सेसफुल हो जाएंगे। जहां पर उन्होंने बताया कि अंडर-19 वर्ल्ड कप में पंत ने ओपन किया था और सबसे अधिक रन बनाए थे, तो ऋषभ पंत को यहाँ पर ओपन कराना चाहिए। आप कमेंट करके बताइए आप गावस्कर की बात से आखिर एग्री करते हो या फिर नहीं। अब हम बात कर लेते हैं चौथी बड़ी खबर की, तो चौथी बड़ी खबर निकल कर आती है विराट कोहली को लेकर। दरअसल विराट कोहली के फैंस के लिए बड़ी बुरी खबर है कि अब यहाँ पर बीसीसीआई और यहाँ पर बीसीसीआई के सेलेक्टर विराट कोहली को टी20 वर्ल्ड कप से ड्रॉप करने की प्लानिंग कर रहे हैं, जहाँ पर विराट कोहली अब इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले दूसरे और तीसरे टी20 मुकाबले में अब प्लेइंग 11 का हिस्सा रहेंगे। और ये दो टी20 मुकाबले अब विराट कोहली के लिए एक तरीके से ट्रायल रहेंगे, क्योंकि इसके बाद विराट कोहली यहाँ पर वेस्ट इंडीज के दौरे का भाग नहीं रहेंगे। इसके साथ ही अगर यहाँ पर इन दो मुकाबलों में ये अच्छा प्रदर्शन करते हैं तभी यहाँ पर इनको वर्ल्ड कप के लिए यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा। अदरवाइज सेलेक्टर्स ने तो ये बता दिया कि वो विराट कोहली की जगह किसी यंग प्लेयर को वर्ल्ड कप में सेलेक्ट करेंगे, वर्ल्ड कप की टीम में भेजेंगे, जहाँ पर दीपक हुड्डा का नाम सबसे अधिक यहाँ पर सामने निकल कर आया है। तो कुल मिलाकर अब विराट कोहली के करियर में पहली बार विराट कोहली के लिए अब बड़ी समस्या क्रिएट हो चुकी है। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग आखिर दूसरे और तीसरे टी20 मुकाबले में विराट कोहली अच्छा प्रदर्शन करके वर्ल्ड कप के लिए यहाँ पर सेलेक्ट हो पाएंगे या फिर नहीं। बात कर लेते हैं पांचवी बड़ी खबर की, तो जो पांचवी बड़ी खबर निकल कर आती है ईशांत शर्मा की तरफ से। दरअसल ईशांत शर्मा ने इनके फेवरेट यहाँ पर भारतीय टी20 बल्लेबाज और यहाँ पर वर्ल्ड के टी20 बल्लेबाज को लेकर एक बड़ा स्टेटमेंट दिया, जहां पर इन्होंने बताया कि यहाँ पर भारत के लिए टी20 फॉर्मेट में अब तक
के सबसे बेस्ट प्लेयर रोहित शर्मा रहे, इसके साथ ही वर्ल्ड वाइड यहाँ पर T20 फॉर्मेट के सबसे बेस्ट प्लेयर एबी डिविलियर्स रहे। तो कुल मिलाकर ईशांत शर्मा ने अपनी फेवरेट चॉइस बताई, आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग आखिर भारतीय कौन सा प्लेयर T20 में सबसे बढ़िया है, इसके साथ ही वर्ल्ड वाइड यहाँ पर क्रिकेट में कौन सा प्लेयर T20 में सबसे बढ़िया, आप कमेंट जरूर करें। अब हम बात कर लेते हैं छठी बड़ी खबर की। तो छठी बड़ी खबर निकल कर आती है केएल राहुल की तरफ। दरअसल केएल राहुल के फैंस के लिए और टीम इंडिया के फैंस के लिए बड़ी कुछ खबर है कि एशिया कप जो कि अब कुछ ही दिनों बाद मोस्ट लाइकली अब 27 अगस्त से शुरू होगा, इस एशिया कप में अब केएल राहुल का कमबैक होगा। केएल राहुल यहां पर एशिया कप हमें खेलते हुए दिखेंगे, तो केएल राहुल एशिया कप के थ्रू अब टीम इंडिया में कमबैक करेंगे। इसके बाद T20 वर्ल्ड कप की टीम का भी ये 90% चांस है कि ये भाग रहेंगे। तो कुल मिलाकर अब केएल राहुल का जल्दी कमबैक होने वाला, आप कमेंट करके बताइए आप केएल राहुल के कमबैक को लेकर आखिर एक्साइटेड हो या फिर नहीं। अब बात कर लेते हैं सातवीं बड़ी खबर की। तो जो सातवीं बड़ी खबर निकल कर आती है वो आती है यहां पर अब कुछ खिलाड़ियों को लेकर जो कि आईपीएल 2023 के एडिशन में अब या तो टीमों से बाहर होंगे या फिर इनकी टीमें अब इनकी सैलरी को कम करेगी, जहां पर कुछ खिलाड़ियों की यहां पर काफी अधिक सैलरी, इसके साथ उनका परफॉर्मेंस पिछले आईपीएल एडिशन में काफी खराब रहा था। तो कुछ खिलाड़ियों के अब नाम सामने आए जो कि या तो टीमों से रिलीज होंगे या फिर टीमें उनकी सैलरी को अब कम करेगी, जहां पर इनमें नाम आता है विराट कोहली का। विराट कोहली को 15 करोड़ सैलरी मिलती है, इसके साथ नाम आता है मोहम्मद सिराज का, इनको 7 करोड़ सैलरी मिलती है। नाम आता है विलियमसन का, इनको 14 करोड़ सैलरी मिलती है। नाम आता है वरुण चक्रवर्ती का, इनको 8 करोड़ सैलरी मिलती है। इसके बाद नाम आता है कार्तिक त्यागी का, इनको 4 करोड़ सैलरी मिलती है। इसके बाद नाम आता है शिवम मावी का, इनको 7.5 करोड़ सैलरी मिलती है। इसके बाद नाम आता है रियान पराग, जिनको 3.8 करोड़ सैलरी मिल रही है। इसके बाद नाम आता है प्रसिद्ध कृष्णा का, इनको 10 करोड़ सैलरी मिल रही है। इसके बाद नाम आता है यहाँ पर शाहरुख खान का, इनको 9 करोड़ सैलरी मिल रही है। इसके बाद नाम आता है नीतीश राणा का, इनको यहाँ पर 8 करोड़ सैलरी मिल रही है। तो कुल मिलाकर इन खिलाड़ियों का पिछला आईपीएल काफी खराब पूरी तरीके से फ्लॉप रहा था, इसके बावजूद ये यहाँ पर काफी अधिक सैलरी यहाँ पर अपनी टीम से चार्ज कर रहे हैं, काफी महंगी इनकी प्राइस है। तो कुल मिलाकर इनमें से कुछ खिलाड़ियों को तो टीमें यहाँ पर कम सैलरी देगी, इसके साथ कुछ खिलाड़ियों को अब रिलीज करेगी जो कि अगले ऑक्शन में काफी कम सैलरी में अब यहाँ पर बिकेंगे। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग आखिर इनमें से कौन से प्लेयर की क्या सैलरी होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं आठवीं और आखिरी बड़ी खबर की। तो जो आठवीं और आखिरी बड़ी खबर निकल कर आती है भारत इंग्लैंड के पहले T20 मुकाबले को लेकर। दरअसल आप अपनी स्क्रीन पर भारत और इंग्लैंड के बीच हुए कल रात पहले T20 मुकाबले का स्कोर कार्ड देख पा रहे होंगे। कुल मिलाकर इस प्रकार से यहाँ पर स्कोर कार्ड रहा, आप अपनी स्क्रीन पर कंप्लीटली स्कोर कार्ड देख पा रहे होंगे। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग अब यहाँ पर इस सीरीज का आखिर क्या रिजल्ट रहेगा, कौन सी टीम यहाँ पर दूसरा T20 मुकाबला जीतेगी। इसके साथ हमारी इस वीडियो करें लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।